क्या आप किसी भी तरह फंसा महसूस कर रहे हैं, ऊब गए हैं, बेचैन हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से पैशन कहीं खो गया है और आप बस इस तरह जी रहे हैं जैसे किसी ऑटो पायलट मोड में फंस गए हों? शायद आपको उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी आपको उम्मीद थी, या आप बस एक ऐसी प्रेरणा की तलाश में हैं जो आपको बताएगी कि जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या बदलाव करने की जरूरत है। हालांकि हम आपको इतना कुछ नाटकीय नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको कुछ काम की टिप्स और स्ट्रेटजीज दे सकते हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में फंसने से बचाएंगी और आपकी मानसिकता में कुछ बहुत जरूरी बदलाव लाएंगी। लेकिन शुरू करने से पहले बेस्टी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा डेली कंटेंट मिल सके। जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करने पर ऐसा लगता है कि सबसे साफ समाधान ये है कि जिंदगी को बदलने के लिए कोई दमदार नया तरीका ढूंढा जाए। यही वक्त है नई नौकरी करने का, छुट्टी पर जाने का, या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव लाने का जिससे होपफुली आपके अंदर के पैशन की चिंगारी सुलग सके। हालांकि इंस्पिरेशन के इन नए सोर्सेस को ढूंढना मददगार हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा दी गई मदद हमेशा के लिए नहीं रहती और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसका लेना देना आपकी इंस्पिरेशन से ज्यादा आपके माइंडसेट से होता है। लेखक और लाइसेंस्ड सोशल वर्कर रॉबर्ट टैबी के अनुसार फंसा महसूस करने की आपकी वजहें इस फैक्ट से निकल कर आती हैं क्योंकि हम अपनी जिंदगी के कंटेंट पर फोकस करते हैं, बल्कि हमें वहां तक पहुंचने वाले प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देने से हम संभावित तौर पर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का अपना तरीका बदल सकते हैं और ज्यादा खुश और संतुष्ट मानसिकता की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो कॉन्टेंट और प्रोसेस के बीच का असली फर्क क्या है? टैबी के अनुसार थेरेपी के क्षेत्र में कंटेंट और प्रोसेस कम्युनिकेशन की दो कैटेगरीज होती हैं। कम्युनिकेशन में कंटेंट का मतलब होता है फैक्ट्स, नाउंस और डिस्कस करने वाली चीजें। कंटेंट यानी बातचीत का क्या। दूसरी तरफ प्रोसेस यानी वो विषय नहीं, बल्कि इन विषयों को हम कैसे डिस्कस या एड्रेस करते हैं वो होता है। टैबी के अनुसार झरना मतलब कॉन्टेंट, पानी गिर रहा है मतलब प्रोसेस। टैबी एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि एक कपल में इस बात को लेकर बहस हो गई है कि उन्हें ग्रोसरीज पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए। इस बहस में कंटेंट है सिचुएशन के बारे में जानकारी और फैक्ट्स। शायद एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की फिजूल खर्ची के सबूत के तौर पर उसकी हालिया रसीद को इस्तेमाल कर रहा हो, या शायद उनमें से एक अपने हालिया के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में खर्च हुए पैसे को देखकर नाराज हो। टैबी कहते हैं कि हमें आम तौर पर चर्चा के कंटेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता, खासकर ऐसी सिचुएशंस में जिनकी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। ग्रोसरी की बहस के मामले में दोनों स्पाउस को लगता है कि उन्हें अपने पार्टनर्स को कन्विंस करना है कि वो सही हैं और उनके हिसाब से सही कंटेंट ढूंढ कर वो उनकी सोच बदल सकते हैं। इस सिचुएशन में उनमें से कोई भी रुककर ये नहीं सोचता कि बहस में उनकी ओर की जानकारी कैसे प्रस्तुत की जा सकती है, या क्या इस चर्चा को ज्यादा प्रोडक्टिव या कोलैबोरेटिव करने का कोई तरीका है। इसकी बजाय आपके दिमाग का इमोशनल हिस्सा आपको ये बताता है कि सही सॉल्यूशन केवल सही कंटेंट खोजना है और एक बार ऐसा करने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। प्रोसेस की बजाय केवल कंटेंट के बारे में सोचने से, यानी कैसे की बजाय केवल क्या सोचने से, सॉल्यूशंस केवल टेम्पररी होते हैं और भविष्य में झगड़ों को रोकने के लिए कुछ नहीं करते। उसी तरह जब हम फंसा हुआ महसूस करते हैं तो प्रोसेस की बजाय कंटेंट को प्राथमिकता देने की सोच से यही समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगर आप अपनी नौकरी से ऊब गए हैं या असंतुष्ट हैं, तो ऐसा महसूस होगा कि आपको ये नौकरी छोड़कर ऐसी नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए जिसको लेकर आप में ज्यादा पैशन हो। हाँ, कुछ मामलों में शायद आपको उसी की जरूरत भी हो, लेकिन क्या हो अगर कुछ हफ्तों या महीनों के बाद आपको नई नौकरी के बारे में भी वैसा ही महसूस होने लगे। हमारी मानसिक सेहत को प्रभावित करने वाली कई कंडीशंस में प्रोसेस को अनदेखा करने और केवल कंटेंट पर फोकस करने से ढेर सारी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अगर आप अक्सर चिंता करते रहते हैं क्योंकि आपको बस किसी भी औसत इंसान से ज्यादा चिंता करनी है,
या फिर चिंता का ये प्रोसेस आपके अंदर ही है और आप जिस तरीके से चीजों पर रिस्पोंड करते हैं उससे चिंता पैदा होती है। अगर आप फंसा हुआ महसूस करते हैं तो क्या ये समस्या केवल उस सिचुएशन से संबंधित है जिसमें आप फंसे हुए हैं, या थोड़ा इल्जाम आपके द्वारा सिचुएशन को रिस्पोंड करने के तरीके पर भी लगाया जाना चाहिए। अगर आप अक्सर गुस्से या तनाव की भावनाओं को मैनेज करने को लेकर संघर्ष करते रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके गुस्से का विषय बदलने के बाद भी ये फैक्ट बरकरार रहता है कि आपको गुस्से को लेकर मुश्किल होती है। ऐसे मामलों में ये जाहिर हो जाता है कि इस समस्या की परतें आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए आपको इन परतों को तब तक छीलना पड़ेगा जब तक आप समस्या की जड़ तक ना पहुँच जाएं। यही सब दिमाग में रखते हुए आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से कैसे बदल सकते हैं ताकि आपकी समस्या के कंटेंट और प्रोसेस दोनों ही एड्रेस हो और जिंदगी की हालिया सिचुएशन से आप बाहर निकल सके। टैबी सुझाव देते हैं कि ऐसा करने के लिए आपको सिचुएशंस को रिस्पोंड और परसीव करने का वो तरीका बदलना होगा जो आपके इमोशंस को नेगेटिवली प्रभावित करते हैं, और ऐसे बदलाव और क्रांतिकारी बदलावों को करने की जरूरत है जो आपकी जिंदगी को ऐसी दिशा दे सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। सबसे पहले इस बात पर फोकस करिए कि आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। ये मत सोचिए कि कुछ तय नियम और चीजों से घिरी आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। टैबी के अनुसार डेवलपमेंटल क्राइसिस को जन्म देने वाली कई चीजों में से एक होती है आपका माइंडसेट, जो जिंदगी को एक चेकलिस्ट की तरह देखता है जिसमें जब आपको वक्त पर या मनचाही सफलता नहीं मिलती तो तनाव, एंजाइटी या डिप्रेशन हो जाता है। जो आपको लगता है कि आपके पास होना चाहिए उस पर फोकस करने की बजाय उन चीजों पर फोकस करें जो आपको चाहिए और उन जरूरतों की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठाइए। एक और नुकसान जिससे आप फंसा महसूस कर सकते हैं वो है टकराव को ना संभाल पाना। जब आप दूसरों के साथ टकराव से होने वाले रिएक्शंस या इमोशनल रिस्पॉन्सेस से डर में जीते हैं तो आप खुद को बेहद सहनशील और मिलनसार पाते हैं, चाहे इसमें आपकी निजी जरूरतों और इच्छाओं की बलि ही क्यों ना चढ़ जाए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक बदलाव जो आप कर सकते हैं वो है टकराव को बहुत ही दबंग लेकिन सेहतमंद तरीके से सहन और मैनेज करना सीखना, जिससे शायद आपको दूसरों से पहले खुद की इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखने में मदद मिले। दूसरों के साथ इस टकराव के दौरान आपको अपने इमोशंस का भी ध्यान रखना चाहिए और उन्हें ठीक से संभालना भी सीखना चाहिए ताकि आपके अपनों, कोवर्कर्स और आपकी जिंदगी के अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब ना हो। अपने इमोशंस को ठीक से रेगुलेट करने से आप ऐसे गलत फैसले लेने से भी बचेंगे जिनका मोटिवेशन नेगेटिव इमोशंस थे। जब आप खुद को फंसा हुआ पाते हैं तो आपको अपनी प्रायोरिटीज के बारे में सोचने की भी जरूरत है। फंसा महसूस करने से एक ऐसा रूटीन बना लेना आसान हो जाता है जिसमें हम अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जीते हैं। अगर आप ज्यादा खुशी और पैशन से जीना चाहते हैं तो आपको दो कदम पीछे हटकर इस रूटीन के साइकिल को तोड़कर अपनी प्रायोरिटीज को रीवैल्यूएट करना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करने से आप अपनी उन निजी जरूरतों और इच्छाओं की तरफ कदम आगे बढ़ा सकते हैं जिनकी आपने पहले उपेक्षा कर दी थी, और आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए इस बारे में जागरूक और ईमानदार रहकर अपना निजी विकास आप कर सकते हैं। आखिर में एक और महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है जिससे आप इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, और वो है पुरानी गलतियों को भूल जाना। जब जिंदगी में पछतावा करने जैसी कोई चीज हो तो उस याद को दिमाग में बार बार चलाने का काफी लालच होता है ताकि इस बारे में सोचा जा सके कि क्या अलग हो सकता था। याद रखिए, जो गुजर गया वो गुजर गया है, और इन पुराने अनुभवों के बारे में सोचने से आपकी वर्तमान जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होंगे। इसकी बजाय इन पुरानी यादों को भूलने के सेहतमंद तरीके ढूंढें और अपना फोकस वर्तमान पर रखें। जिंदगी में फंसा महसूस करना या प्रोग्रेस ना कर पाना एक बड़ी सामान्य बात है जिसका अनुभव कई लोग करते हैं। जब हम इन समस्याओं को और स्टैग्नेशन की फीलिंग्स को सुलझाने के लिए सही इंस्पिरेशन ढूंढते हैं तो कई बार हमारी कोशिशें मिसगाइड हो सकती हैं, क्योंकि हम समस्याओं से डील करने के प्रोसेस की बजाय उसके कंटेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं।
प्रोसेस पर जोर देने और उस पर फोकस करने से हम ऐसा महसूस करने के पीछे की सही वजह जान सकते हैं और शायद अपनी सिचुएशन ठीक करने के कुछ ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जो शॉर्ट टर्म नहीं होंगे। क्या आपने कभी खुद को अपनी वर्तमान सिचुएशन में फंसा हुआ पाया है? क्या आप अपने विचार और अनुभव दूसरों के साथ शेयर करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो हम आपको इनकरेज करते हैं कि कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके इस चर्चा को जारी रखें। अगर आपके कोई पर्सनल टिप्स, टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज हैं जो आपको ऐसी सिचुएशन में बहुत काम आई, तो हम उन्हें सुनना भी पसंद करेंगे। तो शेयर करने से डरिएगा नहीं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।